हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसआई द इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और उनके पैटर्न की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कई क्वेश्चंस रहते हैं आपको एग्जाम में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। उनमें थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया जाए तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन लड़का घबराहट में उसको छोड़ करके आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ कैसे हम लोग क्वेश्चंस को एकदम एग्जैक्टली हल करते हैं। तो वेलकम टू क्वेश्चन बोर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से सही सेंटेंस को चुनना है। तो चार सेंटेंस दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए आपको। आई विश वेयर आई यंग अगेन, आई विश वॉज आई यंग अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन, आई विश वेयर आई यंग अगेन। तो इस सेंटेंस को कैसे हैंडल करना हम लोग को, तो देखिए सभी सेंटेंस के साथ आई विश लगा हुआ बिल्कुल। उसके बाद वो जिसमें सब्जेक्ट हो और कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ वेयर आना चाहिए। तो देखिए यहां दिया हुआ है, आई विश वेयर आई यंग अगेन, आई वेयर यंग अगेन, आई विश आई वेयर यंग अगेन। ये सही आंसर है, इसमें कोई आपको चिंता करने की बात। दूसरा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। सही सेंटेंस चुनना आपको, गलत नहीं चुनना है। देखिए पुलिस के साथ कभी हैज नहीं आता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दीजिए। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, ये बिल्कुल सही आंसर है। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। इसको सही कर दीजिए। दूसरा नंबर, द पुलिस वियर अरेस्टेड हिम, ये गलत हो गया क्योंकि पेसिव की ओर जा रहे थे, लेकिन लास्ट में आप जा करके कहानी गड़बड़ कर दीजिए और पुलिस को ही अरेस्ट कर रहे थे। द पुलिस इज अरेस्टेड, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ आपको बाय का इस्तेमाल करना चाहिए था अगर सेंटेंस को सही करते, फिर भी ये गलत हो जाता क्योंकि पुलिस के साथ इज नहीं चलता है, इसलिए ए सी डी बिल्कुल गलत सेंटेंस है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही, देखिए यहां सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ओवरऑल गलती कहां दिया हुआ। पहला दो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये नोट नीचे जो दिया है सी नंबर और डी नंबर, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ ये दोनों पे हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बात इसी पे करेंगे कि ये कौन सही जा रहा। तो यहाँ देखिए, ही गेव मी गुड एडवाइसेस, ये बिल्कुल सही नजर आ रहा है। और नीचे वाला देखिए, ये टेंस को ही गलत कर दिया, ही गिव्स होता तब ये सही माना जाता, इसलिए सही ऑप्शन है हम लोग का ए नंबर, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। चलिए इसको क्लियर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिनके माता पिता मर जाते हैं, ऐसे बच्चे को हम लोग हिंदी में अनाथ बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्फन। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, वो आदमी जिसकी पत्नी मर जाती है उसको इंग्लिश में कहा जाता विडोवर। और एक चीज और याद रखिएगा, एक औरत जिसके पति मर जाते हैं उसको विडो कहते हैं, हिंदी उसका होता विधवा और इसका हो गया सधवा, और भी होता है हिंदी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनका सही सेंटेंस चुनना है। देखिए यहाँ ही इज कमिंग यस्टरडे, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि yesterday बीते हुए समय की बात कर रहे हैं और यहाँ is coming present की बात कर रहे हैं, तो यहाँ timing match नहीं कर रहा। फिर यहाँ he comes yesterday, यहाँ भी timing match नहीं कर रहा। और ये C number sentence है, he came yesterday, यहाँ time match कर रहा, इसलिए सही sentence की ओर ये एक कदम है। He will come yesterday, इस sentence में देखिए एक future और एक past, yesterday past के लिए इस्तेमाल करते हैं, will future के लिए, तो ये भी time match नहीं कर रहा आपका, गलत हो गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए नॉवल इज रीडिंग बाय सॉन, जब भाई बाई लगा दिए पेसिव में चले गए तो आई एन जी लगाने का क्या तुक था, गलत हो गया आपका आई एन जी की वजह से। ए नॉवल वॉज रेड बाय सॉन, ये बिल्कुल सही है, वॉज वेयर वर्ब थ्री, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सी इज, ये तो मैं आपको लोग को बताने वाला नहीं हूं, यह आप लोग आसानी से हल कीजिए। सी इज डेज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या होगा जल्दी बोलिए। द
होगा भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया गया है मोस्ट ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में द ही इस्तेमाल होता है। इंडिया इज डेस ग्रेट कंट्री, क्या होगा? ए एन द नन, कंट्री है, काउंटेबल है, इसलिए कंट्री के अनुसार आर्टिकल लगेगा और वो आर्टिकल फॉलो करते हुए जाएगा ग्रेट के अनुसार। तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री हमेशा आप लोग बोलते हैं, इसमें टाइम लेना नहीं चाहिए। वी ड्रिंक वाटर डेस, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और हमेशा परहेज कीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाने से, और खास करके ए एन तो कभी नहीं लगाना। द लगा सकते हैं, उस समय लगा सकते हैं जब किसी चीज को आप स्पेशलाइज्ड करते हैं, तो यहाँ कॉमन सेंस है, आर्टिकल हम लोग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ही सेड टू मी आई हैव प्लेड, इनडायरेक्ट में बनाना। देखिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, एक सेकंड में इसको बना दीजिए। यहाँ क्या आया है, सेड पास्ट टेंस हुआ, और यहाँ क्या दिया हुआ, हैव, तो ये हमेशा हेड में बदल जाएगा। तो देखिए कौन किया है, यहाँ तीन ऑप्शन हैज हैव करके रखा, चौथा ऑप्शन आपका हेड किया है, तो अब अपना काटा यहीं ला करके रखे और बाकी ग्रामर मिला लीजिए। ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही, और हैव हेड में बदल गया, बिल्कुल सब कुछ ये मिलता जा रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। तो नरेशन जब भी आए तो सबसे पहले टेंस मैच कीजिएगा, उससे आपका आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा, वहां आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही सेड टू मी हैव यू ईटन, देखिए ये पास्ट टेंस में है, यहाँ हैव आया, हेड वाले ऑप्शन के पास दौड़ जाइए आप, तो ये तीन रिजेक्ट हो गया, आपका ऑटो कट हो गया, ये हैव है, हैज है, ये कट हो गया, यहाँ हेड वाले के पास पहुंचे। अब बाकी चीज ग्रामर मिला लीजिए, सी टो, यहाँ देखिए एसनो क्वेश्चन है, तो इसलिए हो जाएगा सी आस्क मी इफ, सी आस्क मी इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए, यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, तो आई हैव का हेड ईटन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ही डेस कम टुमोरो, फ्यूचर की बात करें भाई, टुमोरो आने वाले समय की बात करें, इसलिए विल के साथ जाइए, और जब भी आने वाला समय के बारे में बात करें, सेल विल ऑप्शन होगा, ही के अनुसार सेल सही है। सी डेस टू कम हियर डेली, यह मॉडल वर्ब चूज करना हमको, तो टू कौन सा मॉडल लेता, कैन तो नहीं लेता, विल भी नहीं लेता, शुड भी नहीं लेता, यूज्ड लेता, और यूज्ड के साथ हमेशा जानते हैं आप लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही आंसर है। डेस माइंड माई कमिंग हियर, देखिये यह माइंड शब्द आया है ना, इसको आप थोड़ा सा रेड मार दिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोग के लिए। माइंड जब भी आए तो ध्यान दिए, अगर मॉडल सेलेक्ट कर, खास करके माइंड वाला सेंटेंस हो, उसमें मॉडल सेलेक्ट करना हो, तो वहां वुड के साथ जाना है आपको। ये रही एक पॉइंट की बात, वुड जाएंगे इसमें हम लोग किसके वजह से, माइंड की वजह से। दूसरा, अगर वर्ब सिलेक्शन दे तो वर्ब में हम लोग को यहाँ बिफोर का इस्तेमाल करना होगा, इसको थोड़ा सा नजर में रखिएगा, ठीक है। He opens the door. देखिए यहाँ passive voice बनाना है इसका हम लोग को, तो यहाँ देखिए opens V5 है, V5 या V1 जब भी रहेगा उसका passive में जाएंगे तो AJMR plus V3 वाला ऑप्शन जाएंगे। तो कहाँ AJMR वाला, ये तो वाजवियर में चले गया, ये भी वाजवियर में चले गया, यहाँ तो है ही नहीं, इसकी ओर चले जाएंगे हम लोग, और इसको सही मान लेंगे, क्योंकि देखिए ग्रामर भी वहीं पहुंचा देगा हमको। द डोर पहले आ जाएगा, इज ओपेंड बाय हिम, बिल्कुल सही आंसर है, द डोर इज ओपेंड बाय हिम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यू रोट ए लेटर, यहाँ क्या दिया, वर्ब टू दिया हुआ आपको पेसिव बनाने के लिए। वर्ब टू वाले का जब भी पेसिव में जाएंगे तो हमेशा याद रखें वाजबियर वाले के साथ जाना, और भी थ्री क्या हो जाएगा, वाजबियर रिटर्न, वाजबियर रिटर्न किस में है, तो एलेट, यहाँ भी वाजबियर रिटर्न है, यहाँ भी वाजबियर रिटर्न है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट मिलाना है, यहाँ ए लेटर आपका पहले सब्जेक्ट होगा, ए लेटर वाज रिटर्न बाय यू। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट को पकड़ करके आपको दौड़ना है, नहीं बने तो पूरा ऑप्शन तक चले जाइए, अगर बनता है हल्के में तो क्या दिक्कत है। हु कंपोज्ड दिस पॉइंट, यहाँ देखिए वर्ब टू दिया हुआ है, वर्ब टू में क्या लगाते हैं ऑप्शन हम लोग,
पैसिव वॉइस में वाज वेयर प्लस वी थ्री लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाज कंपोज्ड बाय हुम, हु के लिए बाय हुम वाज दिस पोएम कंपोज्ड, तो कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी है, बाय हुम वाज दिस पोएम कंपोज्ड, बाय हुम वाज दिस पोएम कंपोज्ड, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। देखिए यहाँ आया ही हैज स्पोकन इंग्लिश, हैज ए प्लस वी थ्री है तो हैज ए प्लस वी थ्री वाले का पेसिव बनाने में हमको बीन वाले की तरफ जाना होगा, किसके पास बीन है, तो देखिए एक नंबर में इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हिम, बाकी में नहीं है, तो मतलब और हमको आगे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब ऐसा तीन चार दिया रहता तो फिर हम आगे बनाते हैं उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन, रानी कैन डू इट। ध्यान दीजिए यहाँ पेसिव बनाने के लिए हमको कैन प्लस डू पर फोकस करना होगा, कैन डू मॉडल वर्ब है प्लस वी वन, तो कैन बी डन हो जाएगा, इट कैन बी डन बाय रानी, किसमें मिल रहा, इट कैन बी डन बाय रानी, ये सही 20 नंबर ऑप्शन आ रहा है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग में है गार्जियन का स्पेलिंग जी यू ए आर डी आई एन, ये गलत है, डी आई एन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही होगा, चूज द करेक्ट ऑफ स्पेलिंग में जी यू ए आर डी आई ए एन गार्जियन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग इसमें है पीस, पीस का सही स्पेलिंग होता पी आई ई सी ई पीस, पी आई ई सी ई पीस, ये ऑप्शन आपका सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग लीजर, लीजर का मतलब होता टुकड़ा फुर्सत, अब यहाँ पीस का हो गया आपको टुकड़ा, लीजर एल ई आई एस यू आर ई, लीजर का सही स्पेलिंग होगा एल ई आई एस यू आर ई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ए डिजीज विच कॉजेज डेथ, एक बीमारी जिससे मौत हो जाती है, ऐसे बीमारी को क्या कहा जाता है, घातक बीमारी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश होता फेटल। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है, ऐसे स्पीच को हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएसआई इंग्लिश क्लासेस, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो समय पर पहुंचता रहे।